हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एपिसोटमी एंड इट्स कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो एपिसोटमी क्या होता है? एपिसोटमी एक सर्जिकल इंसिजन है ऑफ पेरिनियम मेड टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द वल्वल आउटलेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मतलब कि एपिसोटमी एक सर्जिकल इंसिजन हम करते हैं पेरिनियम का, ताकि जो डायमीटर है वल्वा का वो इंक्रीज हो जाए एट द टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ। ठीक है। इट वॉज थॉट डेट ऑल प्राइमरी ग्रेविडा शुड रिसीव एन एपिसोटमी टू प्रोटेक्ट द फीटल हेड एंड द पेल्विस फ्लोर, बट रिसर्च शोड डेट हाई रिस्क ऑफ एपिसोटमी वॉज एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विच इंक्लूड अनसेटिस्फैक्ट्री एनाटोमिकल रिजल्ट, इंक्रीज ब्लड लॉस, पेरिनियल पेन एंड दिस पेरिनियम। मतलब कि ये सोचा जाता था पहले कि सारा ही जो, मतलब जो भी फर्स्ट मदर बनती है, प्राइमरी ग्रेविडा जो होता है, वो उसे एपिसोटमी करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती है फीटल हेड को पेल्विस फ्लोर से। ठीक है, बट रिसर्च जब करी गई तो पता चला कि इससे हाई रेट ऑफ एपिसोटमी के कारण क्या होता है, एसोसिएट करता है हमारा हाई रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जिसकी वजह से अनसेटिस्फैक्ट्री एनाटॉमिकल रिजल्ट्स रहते हैं, जैसे कि इंक्रीज हो जाता है ब्लड लॉस, पेरिनियल पेन एंड डिस्पेन्यूरिया। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एपिसोटमी आर फ्यू, मतलब कुछ ही इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इंक्लूड्स एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द पेरिनियम, एबनॉर्मेलिटी होती है इन पेरिनियम, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज हो जाती है। ठीक है, ये कुछ डिसीजेस के नाम है, सीवियर पेरिनियल स्कारिंग, पेरिनियल मालफॉर्मेशन आर सेम टू कंसीडर। ठीक है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हैव बीन सजेस्टेड एज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अगर कोगुलेशन डिसऑर्डर है तो उनकी नहीं होगी एपिसोटमी, बट एन एपिसोटमी वुड बी प्रेफरेबल टू अ सीजेरियन सेक्शन और अ कॉम्प्लेक्स लेक्रेशन ऑफ द शॉर्टेंड सेकेंड स्टेज लेवर इज ऑल डेट इज नीडेड। मतलब कि जो एपिसोटमी होती है वो ज्यादा प्रेफरेबल होती है सीजेरियन सेक्शन के ऊपर, और कॉम्प्लेक्स लेक्रेशन होती है ऑफ शॉर्टेंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की इन ऑल डेट इज नीडेड। इफ देयर इज एनी डाउट डेट वजाइनल डिलीवरी कैन बी अचीव एज इन ट्रायल ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, एपिसोटमी शुड बी डिलेड अंटिल द ऑपरेशन इज कन्फर्म द डिलीवरी इज इमिडियट। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एपिसोटमी वुड बी अ पेशेंट्स रिफ्यूजल फ्रॉम प्रोसीजर टू बी परफॉर्म। सबसे मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है एपिसोटमी का वो है कि पेशेंट ही रिफ्यूज कर दे अगर कि हमें ये प्रोसीजर, मैं इस प्रोसीजर से नहीं गुजरना चाहती, तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।